बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। अलीबाबा के को फाउंडर जैक मा ने दी फूड सेक्टर में दस्तक, खोली नई कंपनी। एसएनपी ने भारत पर जताया भरोसा, ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 6.4% किया। चीन में टेक कंपनियों के पोस्टर बॉय और अलीबाबा के को फाउंडर जैक मा अब फूड बिजनेस की तरफ रुख कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैक मा ने हाल ही में हांगजो माइस किचन फूड नाम की एक नई कंपनी स्थापित की है। ये कंपनी प्री पैकेज फूड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग और रिटेल बिक्री से जुड़ी है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक इस कंपनी को 1 करोड़ चीनी युआन यानी 11.67 करोड़ रुपए की पूंजी से स्थापित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज। S&P ग्लोबल रेटिंग ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए भारत का वृद्धि अनुमान 6% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। अमेरिका स्थित एजेंसी ने कहा कि मजबूत घरेलू गति ने उच्च खाद्य मुद्रास्फीति तथा कमजोर निर्यात से उत्पन्न बाधाएं दूर होती दिख रही है, जिसके चलते वृद्धि अनुमान को बढ़ाया गया है। एजेंसी ने हालांकि अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.4% कर दिया है, क्योंकि उसका मानना है कि उच्च आधार प्रभाव तथा धीमी वैश्विक वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही अक्टूबर मार्च में वृद्धि धीमी रहेगी। S&P ने कहा कि हमने वित्त वर्ष 2023 और 24 में यानी मार्च 2024 के समाप्त होने वाले के लिए भारत की GDP वृद्धि के अपने अनुमान को 6% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। आईफोन बनाने वाली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भारत में विस्तार करने की योजना बना रही है। कंपनी भारत में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लगभग $160 करोड़ यानी 13,335 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है। कंपनी ने सोमवार को ताइवान में एक्सचेंज फाइलिंग में ये घोषणा की है। हालांकि इस निवेश का ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है और इसे ऑपरेशनल जरूरतों के लिए निवेश बताया गया है। ये घोषणा ऐसे समय की गई है जब फॉक्सकॉन सहित कई ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन के बाहर ले जा रही है। फॉक्सकॉन की आधी से ज्यादा कमाई आईफोन से होती है। यह भारत में कई वर्षों से आईफोन और अन्य प्रोडक्ट्स तैयार करी है। फॉक्सकॉन भारत में 9 प्रोडक्शन कैंपस और 30 से ज्यादा फैक्ट्रियां चलाती है। इन कंपनियों की सालाना कमाई 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कंपनी ने हाल ही में कहा था कि वह भारत में अपना बिजनेस दोगुना करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के लिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस निजी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं के बीच क्लेम सेटलमेंट अनुपात में शीर्ष पर है। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में कंपनी का सर्वश्रेष्ठ क्लेम सेटलमेंट अनुपात 97.9% था। यह ग्राहकों और उनके परिवारों से किए गए वादों को पूरा करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023 के लिए कंपनी का क्लेम सेटलमेंट अनुपात 98.7% था और वास्तविक मृत्यु क्लेम को निपटाने में लगने वाला औसत समय 1.2 दिन था। यह सुनिश्चित करता है कि दावेदारों को दावा राशि तक तत्काल पहुँच मिले। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का 90.55%, HDFC लाइफ का 96.62%, बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस का 91.79%, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 95.90%, SBI लाइफ इंश्योरेंस का 95.67% है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। IDBI बैंक के प्रवर्तक LIC ने कहा है कि वह बैंक बीमा कारोबार का अधिकतम फायदा उठाने के लिए इस बैंक में अपनी कुछ हिस्सेदारी बनाए रखना चाहती है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा कंपनी LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि IDBI बैंक से पूरी तरह बाहर होने का इरादा नहीं है। मोहंती ने कहा, हमने यह साफ कर दिया है कि IDBI बैंक बीमा में हमारा अग्रणी साझेदार है। हम IDBI बैंक में अपनी कुछ हिस्सेदारी बनाए रखेंगे ताकि बैंक बीमा भागीदारी बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। खबर समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। अलीबाबा के को फाउंडर जैक मा ने दी फूड सेक्टर में दस्तक, खोली नई कंपनी। S&P ने भारत पर जताया भरोसा, ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 6.4% किया। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।